ब्लड एक लाइफ गिविंग फ्लूड है जो शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन डिलीवर करता है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कुल जितना वजन होता है उसका 8% वजन तो आपके खून में ही होता है। और क्या आपको पता है कि आपके ब्लड में गोल्ड यानी कि सोना भी होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्लड से जुड़े ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरा ये यूट्यूब चैनल नया है तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए मेरी तो आप इसे लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बस इतना सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया यूट्यूब चैनल का प्रमोशन, अब थोड़ी ब्लड के फैक्ट्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 7, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप की खास बात यह है कि जिस इंसान में यह होता है वह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। लेकिन जब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून की ज़रूरत होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ही खून ले सकता है। क्या आप जानते हैं कि पूरे एशिया में सिर्फ 1% लोगों का ही ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है, मतलब कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होता है, यह आसानी से नहीं मिल पाता है। नंबर 6, एबी प्लस ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप की खास बात यह है कि यह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहा जाता है। लेकिन जब बात आती है ब्लड देने की तो यह सिर्फ और सिर्फ एबी प्लस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। नंबर 5, ऑल ब्लड इज नॉट रेड। खून सिर्फ लाल रंग का ही नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, हर जगह आपको लाल रंग देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली इंसान के खून का रंग लाल ही होता है। इसके अलावा विभिन्न जीवों में अलग अलग रंग का खून पाया जाता है, जैसे कि क्रस्टेशियन, स्पाइडर्स, स्क्वाइड, ऑक्टोपस और कुछ ऑर्थोपोड्स में नीले रंग का खून पाया जाता है। इनके अलावा कुछ प्रकार के कीड़ों और लीचों में हरा खून होता है। वहीं समुद्री कीड़ों की कुछ प्रजातियों में बैंगनी कलर का ब्लड भी पाया जाता है। इनके अलावा बीटल्स, तितलियों सहित कई छोटे मोटे कीड़ों के ब्लड का कलर बेरंग या पीला पाया जाता है। नंबर 4, 8% ऑफ योर बॉडी वेट इज इन योर ब्लड। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के वजन का 8% आपके ब्लड में है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि मानव शरीर में ब्लड की मात्रा अनुमानित शरीर के वजन की 8% होती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी के अनुसार 150 से 180 पाउंड वजन वाला औसत वयस्क शरीर 1.2 से 1.5 गैलन ब्लड कंटेंट करता है। नंबर 3, कोकोनट वाटर कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड प्लाज्मा। क्या आपको पता है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी स्थितियों में कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी रक्त प्लाज्मा के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल के पानी में हाइड्रेटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स होने के कारण यह अक्सर पेय पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। वास्तव में नारियल के पानी में मानव प्लाज्मा के समान गुण होते हैं, और क्योंकि इसे खून में सेफली सीधे इंजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए यह रक्त प्लाज्मा के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, देयर्स गोल्ड इन योर ब्लड। आपके खून में सोना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि आपके ब्लड में गोल्ड है। लेकिन यह इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप इससे अमीर बन जाओगे। इंसान के शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, जिसमें से अधिकांश सोना ब्लड यानी खून में पाया जाता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यदि 40,000 लोगों के खून को इकट्ठा करके सुखाया जाए तब कहीं जाकर 8 ग्राम सोना बन पाता है। एंड नाउ नंबर 1, एंड आज का सबसे तगड़ा फैक्ट, गोल्डन ब्लड। क्या आपके ब्लड का कलर भी गोल्डन है? क्या हुआ दोस्तों, सुनकर चौंक गए ना? मैं जानता हूं कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक फैक्ट है, लेकिन यह सच है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ब्लड से जुड़े सिर्फ और सिर्फ ट्रू फैक्ट्स ही बता रहा हूं। तो आप एक बात जान लीजिए कि गोल्डन ब्लड भी होता है। अगर आप चाहो तो इस बारे में गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। ये एक्सट्रीमली रेयर है, दुनिया के सिर्फ 40 लोगों में ही गोल्डन ब्लड पाया जाता है। शायद आप में यह नहीं है, और ना ही आपने कभी किसी में यह देखा हो, या फिर आपने इस बारे में कभी किसी से सुना हो। लेकिन फिर भी एक बात जान लीजिए कि जिस किसी में भी यह गोल्डन कलर का ब्लड होता है उसमें सुपर नेचुरल पावर यानी कि अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। तो दोस्तों
इनके अलावा भी कुछ और फैक्ट्स हैं जिन्हें आप जान सकते हैं, जैसे कि एक नवजात शिशु में लगभग 1 कप खून होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मच्छर किस प्रकार का खून चूसना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? तो वह है ओ प्रकार का। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर ओ टाइप का ब्लड होता है, मच्छर सबसे ज़्यादा उसे ही काटते हैं। एक फैक्ट यह भी है कि एक आदमी के शरीर से पूरी तरह खून चूसने के लिए लगभग 1.2 मिलियन यानी 12 लाख मच्छरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे ब्लड से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको हमारे ये फैक्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी फैक्ट्स जानने हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम जल्दी ही उस पर कोई वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में हम जो भी वीडियो वगैरह डालेंगे उनके अपडेट्स आपको सीधे मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।